सो गाइस घर आ चुका हूँ पेपर देके, एंड पेपर काफ़ी बढ़िया गया मेरा। बस कल रात को मतलब मेरे को इतना डर लग रहा था ना, नोनी चली गई दिल्ली तो मेरे को अकेले सोना पड़ता है, मेरे को फिर डर लगता थोड़ा। अगली बार मेरा एक रजिस्टर तो भर गया फाइनली। वेलकम बैक टू माई चैनल, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो प्लीज़। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था तो उसमें देखा होगा मैंने पियर्सिंग करा लिया, एंड ये देखो ये रही। और वैसे ये थोड़ी सी बड़ी है यार, मैंने इसे एक्सचेंज करूँगा, मेरे को लगा था थोड़ी सी बड़ी लूँगा तो नोटिस भी होगी, बट ये ज़्यादा ही बड़ी लग रही है तो मैं इसे चेंज करूँगा, बट यार फाइनली हो चुकी है। वैसे मेरे को नहीं पता कैसी लग रही है, मतलब कुछ लोगों ने कहा है कि अच्छी लग रही है, कुछ लोगों ने कहा है काफ़ी बड़ी लग रही है, तो बड़ी तो मेरे को भी लग रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कराऊँगा, अभी दो तीन दिन पहनूंगा। एक तो स्कूल चल रहे ना, हाँ मैं पहले तो ये बता दूँ मेरे प्री वोट्स चल रहे हैं इस बार। वैसे मैं ज़्यादा वो नहीं बता रहा हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, ऐसी ऐसी हालत है, क्योंकि आपने पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा मेरी क्या हालत होती है, वही है इस बार भी वही है। अभी जस्ट मैंने कुछ ना कुछ खाने के लिए ऑर्डर करा है जोमेटो से, और जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं देखा होगा मैं डाइट तो लेता नहीं बिल्कुल भी, और अपना वेट कम ही कर लेता हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि डाइट भी लूँगा और थोड़ा बहुत वैसे भी खा लेता हूँ बाहर का। और फिलहाल पेपर तो मेरा मैथ्स का, बट मैं पढ़ SST रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि SST में सिर्फ हमारे को इन्होंने एक छुट्टी दिया है, मैथ्स में तो फिर भी दो है और मेरे 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल SST पढ़ रहा हूँ। और मतलब वो वाला चैप्टर करना पड़ रहा है जो कि बहुत हार्ड है, नेशनलिज्म इन इंडिया, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो वो कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जिससे पेपर के टाइम मेरे को ये हार्ड चैप्टर ना करना पड़े, तो थोड़ा बहुत इसकी तैयारी कर रहा हूँ। और यार पढ़ लो ये पढ़ लो कितने दुखे हैं प्री वर्ड्स नहीं दुखी कर दिया। अभी मेरे को भूख लगती है, मैं जस्ट थोड़ा सा मतलब थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो मैं फ्रेंच फ्राइज और अपना ये और अपना एक शेक मंगवा लेता हूँ, और अपना मस्त पढ़ाई वगैरह चल जाती है, शुरू हो जाती है। अभी जस्ट मैं ट्यूशन के लिए निकल रहा हूँ, और अब ट्यूशन चलते हैं। आ चुका था और अभी जस्ट मैंने अपनी मैथ स्टार्ट कर दिया है, रात हो रही है मतलब 11 बज रहे हैं, और जस्ट मैं अभी मैथ्स कर रहा था, मैंने सोचा कि कंस्ट्रक्शन और सर्कल्स करूँगा सिर्फ, बाकी तो आज आज में करके सोना है जो ट्रिग्नो है बाकी मुझे। गाइस अभी जस्ट सुबह हो चुकी है और मैं उठा हूँ, रात को मैं 3 बजे सोया था, मैथ्स का मतलब अपना काफ़ी सारे चैप्टर्स निपटा के, मेरे 2 चैप्टर रह चुके हैं, और आज अभी तो लेट उठा हूँ मैं, मतलब 3:30 बज गए थे मैं सोते सोते, तो रात को तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मैंने सोचा था कल काफ़ी सारा निपटा के ही सोऊंगा वरना आज फिर होता ना, तो अब मेरा बस मुश्किल से एक चैप्टर के आधा रह गया होगा और एक का चैप्टर का थोड़ा सा, बाकी सब कुछ हो चुका है। एंड एक तो कल रात को मतलब मेरे को इतना डर लग रहा था ना, नोनी चली गई दिल्ली तो अब मेरे को अकेले सोना पड़ता है, मेरे को फिर डर लगता थोड़ा बहुत, तो कल रात का ऐसी रखी थी। ऊपर से अमन भी, नोनी तो चंडीगढ़ चली गई, अमन दिल्ली चला गया, सॉरी अमन दिल्ली चला गया, चेतना चंडीगढ़ चली गई, मैं ही अकेला हूँ घर पे, और रिशिता ऊपर है वो अपना 12th में बिजी रहती है आकाश शॉप पे, तो इस टाइम ना मेरी बुरी हालत हो रखी है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ा हूँ घर में, तो अभी जस्ट फ्रेश वगैरह होता हूँ और उसके बाद थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाऊँगा, एंड क्योंकि मैथ्स की काफ़ी सारी तैयारी हो चुकी है तो सोच रहा हूँ कि आज वीडियो बना लूँगा, काफ़ी टाइम से इंस्टा पर कुछ नहीं गया जो मतलब पूरा है, मैंने पूरा मैथ्स से भर दिया इसे, वरना मेरा 9 से लेके 9 से जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था मैंने एक रजिस्टर नहीं भरा, जिस टाइम एग्ज़ाम्स आते थे बस मेरी एक कॉपी भर जाती थी, बट रजिस्टर फिर भी नहीं भरता था, पहली बार एक रजिस्टर भर गया जो मैंने मोटा सा लिया था, एंड दूसरे वाला भी आधा भर चुका है, तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतना सारा करा है, शुक्र है। ऑल्दो मतलब काफ़ी सारे बच्चे 9-10 भर देते हैं, बट मैंने NCERT वगैरह ही करी, इतना नहीं करा, तो फिर भी मैंने काफ़ी कुछ भर दिया, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। सो गाइज मैंने अपनी काफ़ी सारी YouTube वीडियोस के कमेंट्स चेक कर दिए, एंड अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग कि हाउ यू कैन एडिट वीडियोस लाइक मी, एंड इज देयर एनी प्लेस जहाँ से आप सब भी सीख सकते हो, तो मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो अभी कुछ मिनट पहले मैंने एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन करी थी जो कि है Skillshare, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस है वेरियस टॉपिक पे, जैसे कि हो गया कुकिंग, गार्डनिंग, DIY डेकोर एंड वीडियो एडिटिंग एंड अ लॉट मोर। Skillshare ऑफर मेंबरशिप विद मीनिंग, विद सो मच टू एक्सप्लोर, रियल प्रोजेक्ट्स टू क्रिएट एंड द सपोर्ट टू द फेलो क्रिएटिव्स, इट ऑल्सो एम्पावर्स यू टू अकॉम्प्लिश रियल ग्रोथ। एंड गाइस जहाँ तक मेरी बात है, पर्सनली लव यूजिंग Skillshare एज इट हेल्प मी अ लॉट टू इम्प्रूव माई वीडियो एडिटिंग स्किल्स, एंड मैं अपने ब्लॉग्स भी काफ़ी अच्छे से एडिट करना सीख गया हूँ, और ये चीज़ वैसे आप सबने नोटिस करी होगी फ्रॉम माई फर्स्ट ब्लॉग टिल नाउ। सो मैंने एडवांस एडिटिंग क्लास ली थी बाय जॉर्डी मॉन्टेपुट, विच हेल्प मी अ लॉट टू इम्प्रूव माई वीडियो एडिटिंग स्किल्स, एंड ड्यूरिंग ब्लॉगिंग मेरा हैंड काफ़ी जगहों पर शेक होता है, और ये चीज़ तो आप सबने मेरे को बहुत बार बोली है, तो उसे ऑटो स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब एडिटिंग में ठीक करना मैंने वहीं से सीखा था, एंड आफ्टर लर्निंग फ्रॉम हियर मेरी ओवरऑल एडिटिंग भी बहुत इंप्रूव हो गई है। दे हैव क्लासेस बाय इंडियन क्रिएटर्स एज वेल लाइक Alicia Suzaz इलस्ट्रेशन, एकता चौधरी गार्डनिंग एंड अ लॉट मोर,
These classes are ad-free, which means you can learn without getting interrupted and losing focus. And guys, the best thing is that you get unlimited access to the entire library of classes at very affordable cost. And Skillshare का जो 1 year का subscription है, वो ₹1,800 से भी कम का है, which means less than ₹150 per month. Last night my food order cost more than this. And guys, अब मेरे पास आप सबके लिए एक surprise है. That is, I have a custom link in the description. So जो first 1,000 viewers उसपे click करेंगे, उनको मिलेगा 1 month का free trial. So go and explore your creative journey. मैं ऊपर आ चुका हूँ छत पे कुछ वीडियो शूट करने और डोडा यहीं भी बैठ के पढ़ रहा है. एंड देखो कैसी चल रही है तैयारी, फिर भी बीमार हो गई. ये हर पेपर में बीमार हो जाती है बेचारी, और इस बार मैं दूर रहूँगा वरना हर पेपर मेरे को बीमार कर देती है. और अभी जस्ट मैं सोच रहा हूँ कोई कॉन्सेप्ट वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ट्रांजिशन में बहुत टाइम लग जाएगा और कॉन्सेप्ट जल्दी भी हो जाएगी और टाइम भी कम है. तो पहला पेपर कैसा गया? चला गया. नहीं कैसा गया, चीटिंग हुई? हाँ, चीटिंग करनी तो चाहती हूँ. नहीं यार, इस बार गाइस प्री बोर्ड में हम एक के पीछे एक बैठे हैं, तो चीटिंग होने के चांसेस हैं. वो अलग बात है, सब्जेक्टिव है तो इतना नहीं होता. ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का, ए सेकंड का भी, बट फिर भी हो गई थी काफ़ी चीटिंग मेरी, 2-3 marks की तो. यस, सो अभी जस्ट ट्यूशन का टाइम हो चुका है एंड जस्ट ट्यूशन के चलते हैं. मैम से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लेनी आज मैंने, या इसे करते हैं साथ में कुछ. देखो ये वैसे मेरी बुक ना बिल्कुल नई की नहीं थी और अब तो बिल्कुल हाल ख़राब हो गई. टर्म 1 तक ये बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि टर्म 1 मैंने कुछ नहीं पढ़ा था ढंग से, बट टर्म 2 में जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो मेरे को खुशी हो रही है कि मैंने बुक का भी हालत कर दी. सब खराब हो गया. तो हम जस्ट ट्यूशन चलते हैं और प्रॉब्लम्स लेते हैं. मेरा बस थोड़ा बहुत रह गया, बाकी सब कुछ हो चुका है. मैं आ चुका था एंड मैंने जस्ट अपना कंस्ट्रक्शन चैप्टर निपटाया एंड अभी जस्ट फॉर्मूला वगैरह लिख रहा था ये सारे, और साथ साथ अपना खाना खा रहा हूँ. या तो गाइस अभी मम्मा जा रही हैं वृंदावन पापा के साथ दोनों, एंड मेरे को घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं. और पापा मम्मा दोनों वृंदावन जा रहे हैं और ये 2 दिन के लिए जा रहे हैं. सी मम्मी और बड़े पापा, सी मम्मी और बड़े पापा भी जा रहे हैं दोनों, और पापा और मम्मा भी जा रहे हैं दोनों मिलके, और ये 2 दिन बाद आएंगे. तो मैं अकेला हो गया हूँ तो आज मैं ऊपर ही जाऊँगा. अभी फिलहाल अभी बस निकल रहे हैं. पापा आप जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा मेरे को, बिना प्यारी जी के दर्शन करने जा रहे और आपके पेपर है, नहीं तो आपको भी लेके जाना था. हर बार जाता हूँ इनके साथ, बस ये पेपर हमेशा मुझे रोक लेते हैं कहीं ना कहीं से. तो इस बार प्री बोर्ड हैं, पिछली बार भी मतलब कुछ ना कुछ था जब पापा जा रहे थे घूमने. मेरे को बिना लिए जा रहे हो? तो हमारे पास हर पल है. एंड बाय 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 बाय. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू, याद रखियो अपना. ठीक है. अभी मैं भी फिर ऊपर ही चला जाता हूँ शीता के पास. वैसे आज मैं उसके पास ही सोऊंगा, नीचे तो पूरे घर में खाली ना मेरी बहुत टाइट टाइट फीस हो जानी है, तो इसलिए अभी जस्ट ऊपर जाता हूँ अपना सारा कॉपीज वगैरह लेके और ऊपर ही सो जाऊंगा आज तैयारी तूरी करके. मैं ऊपर आ चुका हूँ एंड देखो मैं अपनी आरडी भी एक बारी को ले आऊं. वैसे मैंने पढ़ना था नहीं, ये ना ये इशिता वगैरह से पास हो रखी है आरडी, और भाई मैंने तो पढ़ी भी नहीं, हाथ भी लगा बट किसी से पास हुई है, किसी पुराने बच्चे से आई है, बट मैंने इसे खोल के भी नहीं देखा. मैं जैसे ऊपर ले आया, शुरू में मैम ने ना आरडी शर्मा कराई में, पर पढ़ी थी पूरी नहीं, स्टार्टिंग के 2 पेज फटे हुए थे, खुशी खुशी में कॉर्ड खरीद लाई और फिर वो दोनों ऐसी गई पूरे साल में पढ़ी. और मेरी देखो मैंने तो खुली नहीं पूरे साल में, तो एनसीईआरटी कर रहा हूँ. एनसीईआरटी तो मेरी पूरी पट गई बाहर से पेज भी. क्या करेगा, पढ़ती तूने बेसिक रखी. बेसिक को तो ये लोग ऐसे करते हैं भाई, बेसिक का पेपर पता कितना हार्ड आया था. हाँ. देते वो बेसिक को भी हार्ड देते हैं. हाँ, मैंने देख लिया. नहीं यार सही में मेरे को स्टैंडर्ड वाला ज़्यादा ईजी लग रहा था, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को. मैंने गलती कर दी भी इसी लिए, सोच रहा हूँ बस थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेता हूँ एंड फिर सो जाता हूँ. नोनिया घूम रही है वहाँ पे, मस्ती कर रही है. पिक्चर देखने गई थी कल, कैसी है यार बेटे, एस्थेटिक हो रही है. हम बेचारे यहीं रह गए. नोनी अमन, अमन को देख तू हर दिन कोई ना कोई कैफे में जाके स्टोरी डाल रहा है, नोनी भी स्टोरी डाल रही है, दोनों बैठ के. हम दोनों भाई बहन नाम बाहर जा सकते कहीं ऐसे, क्योंकि मैं भी नहीं जाता इतना और ये भी एग्जाम के चक्कर में नहीं जाती, तो ना हम दोनों जा सकते. वो दोनों अपना मस्त स्टोरी डाल रहे हैं कि आज मूवी देखने गए हैं, आज कैफे में चले गए. तो हम दोनों के साथ तो अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है. नहीं नहीं अमन ने वो कह दिया डेली आ जा बस, जैसे तेरे एग्जाम खत्म हो रहे हैं. तो और देखो फिर चंपू लुक
और आज तो ऊपर ही सोया था मैं, मतलब कल रात, एंड जस्ट ऊपर से तैयार होकर जा रहा हूँ और पार तारा लेने उसके साथ निकलता हूँ। और हाँ, तैयारी हो चुकी है फिलहाल, मैंने अपना वो भी निकाल दिया इयरिंग, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है, तो घर आके दोबारा पहन लूँगा, एंड तब तक निकाल के रख दिया। और फिलहाल भी चलते हैं जैसे ही पार्ट आता है, लेट हो चुके हैं वैसे हम बहुत। सो गाइस, घर आ चुका हूँ पेपर देके, एंड पेपर काफ़ी बढ़िया गया मेरा। बस मुझे एक तो 4 मार्क वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, एंड एक 2 मार्क वाले में, उनमें मेरे दोनों में आंसर मेरे को लगने सही आए होंगे, बट मैंने पूरा मतलब स्टेप वाइज सब कुछ सही करा था, बस आंसर का मेरे को प्रॉब्लम है, तो मेरी स्टेप्स के मार्क्स मिल जाए, बाकी पता नहीं। बाकी वैसे सारा पेपर बहुत अच्छा गया और मेरे को पूरा आता था, एंड फिलहाल अंदर चलते हैं, ऊपर ही जाना पड़ेगा, घर में कोई नहीं है अभी। अब मेरा हिंदी का एग्ज़ाम एंड मैथ्स का तो हो चुका है, और मतलब ये मेरा बोर्ड से भी काफ़ी बेटर गया, मतलब बोर्ड्स का तो बेकार गया था, जो टर्म वन के थे उससे बेटर ये वाला चला गया मेरा, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा हुआ था और मुझे आता था। तो या अभी बस ये हो चुका है, एंड अब हिंदी का पेपर है, तो या अब उसकी तैयारी करेंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, मेरी दिख गई होगी कि मैथ्स मेरी इस बार कम हालत बुरी थी, आता ही था ऑलमोस्ट। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। गुड नाइट। Thank you.